गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का पार्ट टू करेंगे, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर करना। हमने जहां पे लास्ट क्लास में छोड़ा था ना, वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये आपको लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन बताई थी, देख लो, ठीक है? एक बार अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो एक्स को ए सेकेंट थीटा या ए कोसेक थीटा लेना, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x को a tan theta या x को a cot theta, अगर आपको a plus x, a minus x, a minus x, a plus x इनमें से कोई भी दिखे तो x को a cos 2 theta लेना है, ठीक है? तो देखो जरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर फाइंड करना है dy by dx, if y equal to tan inverse x upon root a square minus x square, ये शायद हमने किया था लास्ट क्लास में, है ना? ये किया था, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से। ये नहीं, ये हमने किया था, ये नहीं किया था, है ना? ये नहीं किया था। तो देखो आपके पास फाइंड करना है dy by dx, y दिया हुआ है साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी नहीं करनी, कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, ठीक है? अब यहां पे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या करना है? देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या तो x को लेना है a tan theta या तो x को लेना a cot theta, है ना? तो अब हम tan लेंगे कि cot लेंगे? देखो यहां पे sin है ना, तो sin है तो sin को tan लो, अगर cos होगा तो cot लो, ठीक है? तो अब x को क्या यूज करो, x equal to a tan theta, a को यहां ले आओ, tan theta equal to x by a, tan को shift करो, theta equal to tan inverse x by a, ये बन गया, ठीक है? अब ये यहां लिखो y equal to sin inverse, देखो x की जगह a tan theta, x की जगह a tan theta और यहां भी x की जगह a tan theta, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर theta प्लस a स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। तो ये बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स a tan theta। देखो ध्यान से, इन दोनों में आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहां बचेगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये ऐसा हो गया, और वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप इसको लिखो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ए टैन थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वन secant स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है? ये ऐसा बन गया। अब इसके बाद क्या करो, इसको लिखो y इक्वल टू साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन रूट, देखो a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो, ये a हो जाएगा, और secant square थीटा को रूट से बाहर निकालो तो secant थीटा हो जाएगा, ये ऐसा बन गया। ये a a कैंसिल करो, ये बनेगा sin inverse, देखो tan को लिखो sin by cos, tan को लिखो sin by cos और secant को लिखो 1 by cos, ये और ये कैंसिल, पीछे बचा साइन इनवर्स साइन थीटा, ये बन गया। अब आप इसको लिखो साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा के बराबर होता है, यहां पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो टैन इनवर्स एक्स बाय। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी
टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ये ऐसा बन गया और इनटू में अब आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स बाय ए, एक्स बाय ए की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 बाय ए, एक्स बाय ए की डिफरेंशिएशन 1 बाय ए, ठीक है। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो कितना बनेगा, ये डायरेक्ट कर दें अब, ये जगह कम है ना, एलसीएम ले रहे हैं ठीक है, इसका ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय ए, ये ए ए कैंसिल, ए को उल्टा करके ऊपर ले आओ, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो जरा इसको, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट आज का, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ठीक है, होमवर्क करना है इसमें, देखो कॉस है तो आप एक्स को ए कॉट ले लेना, एक्स को क्या लेना है ए कॉट, और यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही लगा लेना, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम करना है आपको, सेम करना है, नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, हम अगली क्लास में करा देंगे। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर है पूछे जाते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो, चलो एक स्टेप देखो फिर समझाते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप ऐसा लिखो, अलग अलग कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना ठीक है, इसको अलग अलग, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, साइन एक्स बाय रूट टू प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू, ये ऐसा हो जाएगा ठीक है। इसको ना हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये बनता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देखो, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस एक्स, आप चेक करो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ध्यान से देखो लिखा जा सकता है, यही बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो है ना, यही बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो यही बनेगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमें ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, अंदर वाला, ये अंदर वाला, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, तो ये जो 1 बाय रूट 2 है हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस 1 बाय रूट 2 कब होता है, कॉस पा बाय 4 पे, और साइन 1 बाय रूट 2 भी साइन पा बाय 4 पे होता है, तो आप इन दोनों की जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो 1 बाय रूट 2 हमें चाहिए साइन ए कॉस बी, तो 1 बाय रूट 2 कॉस पा बाय 4 होता है, प्लस फिर हमें चाहिए साइन बी कॉस ए, हमें साइन बी चाहिए, तो 1 बाय रूट 2 साइन पा बाय 4 होता है, ये ऐसा बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए विच इज साइन ए प्लस बी, तो आप इसको लिखो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ये बन जाएगा x प्लस पा बाय 4, कितना बन जाएगा x प्लस पा बाय 4, तो यहां रह जाएगा x प्लस पा बाय 4 है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, x की 1 पा बाय 4 की 0, तो आंसर आ जाएगा 1, देख लो जरा इसको, x की 1 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पा बाय 4 है, समझ गया ना, ये हट गया, एक्स की 1 पा बाय 4 कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, देखो इसको अच्छे से, आते हैं पेपर में क्वेश्चन, याद रखना आते हैं पेपर में क्वेश्चन, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है,
ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम पहले मैं हम आपको ना ये वाला क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी लिखो इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ठीक है, एक ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन जरूर करना, क्या पता इस बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्या क्वेश्चन था? हाँ, फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू हो जाए। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। आपको ये बनाना है, इतनी बड़ी हिंट दे दी हमने आपको, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताना, हम करवा देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बताएं, अगर आपको कभी भी ना ऐसी सब्स्टिट्यूशन दिख जाए रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स, उसमें आपको एक्स को ए कॉस टू थीटा लेना होता है ना, एक्स को क्या लेना होता है रूट ए कॉस टू थीटा, है ना। तो सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखो आपके पास, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, पहले ये करवाते हैं फिर पिछले करवाते हैं, साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू। देखो इसमें देखो रूट ए प्लस एक्स दिख रहा है आपको और ए माइनस एक्स भी दिख रहा है, तो आपको एक्स को क्या लेना है ए कॉस टू थीटा, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो फंस जाओगे, याद रखना। तो और यहां पे कंपेयर कर लो ए वन है तो आपको सिर्फ एक्स को कॉस टू थीटा लेना है, आपको एक्स को क्या लेना है कॉस टू थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो कॉस को उस तरफ ले जाओ टू थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, थीटा कितना हो जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू यूज करो, ये बनेगा साइन इनवर्स यहां पे एक्स की जगह कॉस डाल दो, एक्स की जगह कॉस वन प्लस कॉस टू थीटा, यहां पे x की जगह cos डाल दो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 हो जाएगी। देखो एक बार ये समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखो साइन इनवर्स ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा टू, है ना, कर सकते हैं ऐसा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले है ना व्हाट्सएप चैनल के ऊपर सारे फॉर्मूले हमने देके रखे हुए, ठीक है, ये सब चीजें वहां उस उन फॉर्मूले शीट में लिखी हुई है। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, इसको अलग अलग करो रूट टू कॉस थीटा रूट टू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। और ये वाला जो टू है इस टू को अलग अलग कर दो, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, टू को ऐसा लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू चलेगा, इस स्टेप में ये करो, इसी स्टेप में चेंज करते हैं, इस टू को लिख दे रूट टू इंटू रूट टू चलेगा ना, इसको अगर मैं लिख दू रूट टू इंटू रूट टू और इसको भी लिख दे रूट टू इंटू रूट टू तो चलेगा। ये क्या बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ये रूट टू कैंसिल, ये और ये कैंसिल,
पहले हम ये लिख रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं, पहले साइन थीटा लिख रहे हैं, वन बाय रूट साइन थीटा बाय रूट टू प्लस कॉस थीटा बाय रूट टू। अगर आप ध्यान से देखो ये अभी किया हमने, है ना, ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर दिया, ये तो अभी सॉल्व किया है ना, देखो यही तो था। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था, x प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। आपने ये पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, ये सेम करना आ गया, अब सेम स्टेप तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये बनेगा x प्लस पाई बाय फोर। तो आप इसकी जगह लिखो साइन इनवर्स, ये पूरा सॉल्व करने के बाद बनता है x प्लस पाई बाय फोर, लेकिन यहां पे जो x है वो थीटा, तो थीटा प्लस पाई बाय फोर। अब यहां पे थीटा की वैल्यू, थीटा देखे रखा है 1 बाई टू कॉस इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x की डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो आंसर हो जाएगा माइनस वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो भी देख लो एक बार, जैसे पहले यही क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या लेना होता है, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, है ना, या तो ए साइन या तो ए कॉस। तो यहां पे एक्स की जगह क्या ले लो, एक्स की जगह ले लो ए, ए ए यहां पे वन है, तो एक्स की जगह साइन लोगे या कॉस लोगे, साइन है तो साइन लो, कॉस है तो कॉस लो, एक्स को ए की जगह वन है, एक्स को ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन ले लो, ए वन है, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स एक्स ये बन गया, तो यहां से आ जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन थीटा, साइन थीटा एक्स की जगह साइन थीटा, है ना, ऐसा बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे रूट लगा दो तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाय रूट टू, ये ऐसा हो जाएगा, ये अभी सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया, सेम है, तो क्या आया था x प्लस पाई बाय फोर, लेकिन यहां पे x क्या है, यहां पे x की जगह थीटा है, तो थीटा प्लस पाई बाय फोर कर दो, क्या कर दो इसको, थीटा प्लस पाई बाय फोर, यहां पे थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की जगह साइन इनवर्स x प्लस पाई बाय फोर, इसको करो डिफरेंशिएट, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और पाई बाय फोर की जीरो, लेकिन पेपर में डायरेक्ट मत लिख के आना, वो पूरा करके आना, ठीक है। देखो जरा इसको यहां पर, लो जी ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इसके पीछे ये बचा था शायद, है ना, और थोड़ा बचा कोई ना, अब ये बचा, इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, टैन है तो साइन, कॉट होता तो कॉस, सिंपल सी बात है, टैन है तो साइन, कॉट होता तो कॉस। आप यहां पे एक्स की जगह क्या ले लो, ए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए,
थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये इसमें रिप्लेस करो तो ये बनेगा वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा, एक्स की जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, ये ए कॉस बनेगा नहीं, ठीक है सही है, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स ए साइन थीटा। देखो ध्यान से देखना, यहां पे इसमें ए स्क्वायर कॉमन, यहां वन बचेगा, यहां साइन, ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर बाहर निकालो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस ए कॉस थीटा, क्या बन जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा, देख लो इसको एक बार अच्छे से, ठीक है, ऊपर भी ए कॉमन नीचे भी ए कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा टैन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे ए कॉमन निकालो, अंदर बचेगा वन प्लस कॉस, ये ए ए कैंसिल, ये बन गया टैन इनवर्स, इसमें ना साइन थीटा का फॉर्मूला डालो, ये उस फॉर्मूले शीट में सारे फॉर्मूले हैं, साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये बनेगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये ऐसा बन गया, ये टू कैंसिल करो, ये एक कॉस कैंसिल करो, पीछे बचा टैन इनवर्स साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टैन हो गया, ये बन गया टैन थीटा बाय टू, ये ऐसा बन गया, यहां लिखो ये बचेगा थीटा बाय टू, और यहां थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, चलो करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, वन बाय टू बाहर, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये एक्स बाय ए, और इंटू एक्स बाय ए की डिफरेंशिएशन, एक्स बाय ए की वन बाय ए, एक्स बाय ए की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी वन बाय ए, तो ये बनेगा वन बाय टू, इसका ना एलसीएम लो, ऐसा हो जाएगा ना, एलसीएम लेके आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस नीचे वाले ए स्क्वायर को बाहर निकालो रूट से, ये बनेगा वन बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, वन बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया, चेक कर लो, अच्छा अब यहां से देखो डी वाई बाय डी एक्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू टू एक्स वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा क्यों किया, देखो हमारे पास ना फॉर्मूला होता है tan 2 theta which is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, tan 2 theta का क्या formula होता है 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, तो compare करो देखो 2x 1 minus x square, अगर हम अब यहां पे compare देखो 2x की जगह tan theta नहीं दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो 2 into 2x 1 माइनस टू एक्स का स्क्वायर, खुद ही दिमाग लगाओ 2 2
2x tan theta, 1 tan square theta 2x का square, तो clearly दिख रहा है 2x की जगह tan theta, तो अब यहाँ पे 2x की जगह tan ले लो, 2x equal to tan theta, tan को shift करो उस तरफ, तो theta हो जाएगा tan inverse 2x, ये ऐसा बन गया, तो ये बनेगा y equal to tan inverse 2 into 2x, 2x की जगह tan, 2x की जगह tan, तो ये बनेगा 2 tan theta, 1 minus 2x का square, 2x की जगह tan, तो ये बना tan square theta, और ये किसके बराबर होता है, tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, ये होता है tan 2 theta के बराबर, ये बना y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan, ये तो क्या सर हट ही गया, 2 थीटा बचेगा, यहां थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की जगह लिखो tan इनवर्स 2x, करो जी इसको डिफरेंशिएट, क्या बनेगा इसकी डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो ये आंसर हो जाएगा, देखो इसको यहां पर, ठीक है अब देखो अगला, अब अगला देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2x प्लस 1 है, ठीक है 1 ऊपर है, ऐसा है ये, ऐसा है 2 की पावर x प्लस 1, इसकी पावर को ब्रेक कर रहे हैं, 2x इंटू 2 की पावर 1, ठीक है पावर में है ये, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, और 4x को ऐसा लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, आपने बचपन में पढ़ा था पावर को इंटरचेंज किया जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है ना, पावर्स इंटरचेंज की जा सकती है, तो 2x का स्क्वायर, देखो ये सेम बन गया जैसे यहां किया, जैसे हमने यहां किया ना सेम बन गया, 2x को tan थीटा ले लो, जैसे इसमें क्या करो 2x को tan थीटा ले लो, 2 रेस टू पावर x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 2 रेस टू पावर एक्स, ये ऐसा बन गया, तो अब लिखो y इक्वल टू टैन इनवर्स, पहले 2 लिखो फिर 2 रेस टू पावर एक्स को टैन थीटा लिखो, फिर 2 रेस टू पावर एक्स को टैन लिखो, ये सेम बन गया, ठीक है समझ आया ना, हमने 2x को tan लिया, 2x को tan लिया, ये बना tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है अब इसकी जगह ये सेम फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ये बन गया tan 2 थीटा, तो ये बन गया y इक्वल टू 2 थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2x, चलो जी करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा d वहां पर dx, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x आपका ये है 2 रेस टू पर x, और इनटू आपको 2 रेस टू पर x को भी करना, ये बन जाएगा 2 अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 की पावर x, देखो a रेस टू पावर x की डिफरेंशिएशन a रेस टू पावर x log a, तो 2 रेस टू पावर x की,
टू रेस टू पावर एक्स लॉग टू, ये टू की पावर वन है. व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, टू की पावर एक्स प्लस वन लॉग टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स, ये आंसर हो गया. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा. इसमें देखो क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखो 2 इंटू ए एक्स, वन माइनस ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स को टैन थीटा ले लो. सेम क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो जरा इसको, सेम क्वेश्चन बिल्कुल. इसमें देखो क्या करेंगे, ये भी होमवर्क करना है आपको. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रुक जो पहले ये बात में बताते हैं, ठीक है, जो पहले इसके पहले ना दो तीन क्वेश्चन हो रहे थे वो करवाने हैं, ये भी रुक जाओ. हाँ, जैसे ये देखो, ये प्लस वन ऊपर है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है. y इक्वल टू साइन इनवर्स टू रेस टू पर x प्लस वन वन प्लस फोर एक्स, ऐसा क्वेश्चन है. इसको भी पावर में ब्रेक करो, इसको इस तरीके से लिखो, टू की पावर वन टू की पावर x, लिख सकते ना ऐसा. व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, वन प्लस x इज सेम एज x प्लस वन, ये बनेगा टू एक्स का स्क्वायर, देख सकते हैं ऐसा. अब देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना, करो कंपेयर. देखो टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह टू रेस्ट पर एक्स की जगह टैन थीटा डाल दो, टू रेस्ट पर एक्स की जगह टैन थीटा, 2 raise to power x equal to tan theta. यहां से theta की वैल्यू निकालो, theta equal to tan inverse 2x. ठीक है, तो ये बनेगा y equal to sin inverse 2 raise to power x की जगह tan 1 plus 2 raise to power x की जगह tan, तो ये बना tan square theta. ये ऐसा बन गया. तो ये बना y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, साइन 2 थीटा के बराबर. ये ऐसा बन गया, ये बनेगा y इक्वल टू 2 थीटा. यहां पे थीटा की वैल्यू डालो, थीटा देखो कितना है, टैन इनवर्स 2 रेस टू पर एक्स, करो जी इसको डिफरेंशिएट. डी वहां पर डी एक्स, टैन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब आपको इसको करना है a रेस टू पर एक्स को, a रेस टू पर एक्स की सेम a रेस टू पर एक्स इंटू लॉग ए लॉग टू. ठीक है, अब इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लो, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 रेस टू पर एक्स इंटू लॉग टू, देख लो इसको यहां पर. एक क्वेश्चन इस टाइप का और करवाना है, फिर उसके बाद बाकी बताते हैं. हाँ, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लेना, ये तुम्हारे प्री बोर्ड में तो पक्का है. अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 रेस टू पर एक्स प्लस 1 इंटू 3 रेस टू पर एक्स 1 अपॉन 36 एक्स. इसमें क्या करो, इसकी पावर को भी ब्रेक करो,
ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये ना बीच में हैंग हो गया, हैंग नहीं हुआ, ये बेसिकली यहाँ पे ना शेयर का ऑप्शन है, ये शेयर का जब बटन दब जाए ना तो टाइम मांग, मतलब ये कुछ क्या कहते हैं स्कैन स्कैनर टाइप खुलेगा, ठीक है 2 मिनट इसको ना खुलने दो, रुक जाओ 2 मिनट फिर बताओ इसको क्या करें। चलो हो गया ठीक है, जाओ जी अब चलो इसको देखो कैसे करेंगे, यहां पे ना 2:x+1 है इंटू 3x है, इसको लिख सकते हैं 2:x इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 व्हेन बेस इज द सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। अब क्या करो, ये 2 पहले लिखो, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, हाँ अलग ऐसे, आपने बचपन में क्या पढ़ा था कि अगर पावर सेम हो बेसिस अलग अलग हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती, ऐसे आ जाता है। तो इधर भी आप ऐसे करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 power x, तो ये बन जाएगा 2 × 6 की पावर x, तो ये बन गया 2 × 6 की पावर x 1+36 की पावर x है, हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर x, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 6 की पावर x पावर में ये ऐसा बन गया है ना। इसके बाद क्या करो, सेम वही 6 raised to power x को tan theta ले लो, फॉर्मूला बन रहा है सेम, ठीक है 6 raised to power x को tan theta ले लो, tan को उस तरफ शिफ्ट करो, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 6x, ये ऐसा बन गया। तो ये बनेगा y = साइन इनवर्स 6x की जगह tan थीटा, tan डालो 2 tan थीटा 1+6 raised to power x की जगह tan, तो tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसा बन गया 2 tan theta upon 1+tan square theta, ये होता है साइन 2 theta का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 theta, और ये क्या बन जाता है साइन इनवर्स साइन 2 theta, ये बचेगा 2 theta, और यहां पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 6x। चलो जी करो इसको डिफरेंशिएट, tan इनवर्स 6 की डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus 6x का square into 6 raised to power x की differentiation 6 raised to power x into log 6 a raised to power x की differentiation a raised to power x log a, तो answer हो जाएगा 6x log 6 1 plus 6 का square 36 power में x। इसके बाद ना अब पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, साइन 2 tan inverse √1 - x / 1+x फाइंड करना है d/dx, इसकी डिफरेंशिएशन देखो कैसे करते हैं। अगर आपके पास कभी भी √a - x / a+x हो तो x को क्या लेते हैं a cos 2 theta, यहां पे जो a है ना वो 1 है, तो आप x को ले लो x = cos 2 theta,
कॉस को उस तरफ ले जाओ, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू थीटा, टू को डिवाइड में ले आओ, थीटा इक्वल टू वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, ये बन गया ठीक है। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू साइन टू टैन इनवर्स, देखो वन माइनस एक्स, एक्स की जगह कॉस टू थीटा, एक्स की जगह कॉस टू थीटा, ये ऐसा बन गया। अभी रुक जाओ वो बोलो, नहीं तो ये वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा वाई इक्वल टू साइन टू टैन इनवर्स वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, साइन टू टैन इनवर्स, देखो साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टैन, ये बनेगा टैन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा बन गया। देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, वाई इक्वल टू साइन टू टैन इनवर्स, पीछे बचेगा टैन थीटा, ऐसा बन गया। तो ये बन जाएगा साइन, देखो टैन इनवर्स टैन, टैन इनवर्स टैन तो टैन बचेगा है ना, पीछे बचेगा टू, ये तो हट जाएगा, थीटा बचेगा, साइन टू थीटा, देखो हमारे पास कॉस टू थीटा की वैल्यू है ना, साइन टू थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे आपने बचपन में पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यूज करो, तो इसकी जगह लिखो रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह टू थीटा डाल दे, ऐसा बन गया। और कॉस टू थीटा की वैल्यू एक्स लिख रखिए, कॉस टू थीटा की जगह एक्स डाल दो, कॉस टू थीटा की जगह एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन होती है वन बाई टू रूट एक्स, ये ऐसा बन गया। और फिर अंदर वाले की वन की जीरो एक्स स्क्वायर की टू एक्स, तो ये हो गया आंसर, ये आपका फाइनल। देखो यहां ठीक है, अब बढ़ते आगे, इसके बाद हम आपको पहले करवाएंगे, सारे करवाएंगे, छोड़ेंगे कोई नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन अब ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन इनवर्स स्पेक्ट्रोमेट्री में पूछा गया था, तीन नंबर का इनवर्स स्पेक्ट्रोमेट्री में, उस यहां मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना था, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने थी ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो टू एक्स माइनस थ्री रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट थर्टीन, देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x को ले लो a cos थीटा, या a cos थीटा या a sin थीटा, क्या ले लो, या तो a cos थीटा या तो a sin थीटा, दोनों में से एक ले लो,
है ना, लेकिन यहां पे कॉस है तो हम कॉस लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है, कॉस लेना बेटर है। और यहां पे ए वन है तो अब एक्स को ले लो कॉस थीटा, कॉस को शिफ्ट कर दो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस, ये बना टू कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में रूट थर्टीन, ये बनेगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टू कॉस थीटा माइनस थ्री। देखो रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस पे रूट लगा दो तो साइन थीटा बचेगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और अपॉन में लिख दो रूट थर्टीन, ऐसा बन गया है ना। अब ना हम इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। हम इसको ये बनाना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या करो, ये जो 13 है ना ये 13 दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग से लिख दो, इसके नीचे अलग से लिख दो, हम इसको ये बनाना चाहते हैं तो क्या करें, देखो ये बनेगा कॉस इनवर्स, सबसे पहले लिखो कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखो टू बाय रूट थर्टीन, लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर लिखो साइन थीटा, फिर इनटू में लिखो थ्री बाय रूट थर्टीन, है ना। अब देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी, इसको कॉस अल्फा ले लो या कॉस कुछ भी ले लो, इसको कॉस बी ले लो और इसको भी साइन बी ले लो, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं, देखो हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए इसको कॉस बी ले रहे हैं, कॉस बी इक्वल टू टू बाय रूट थर्टीन, और इसको साइन बी ले रहे हैं, साइन बी इक्वल टू थ्री बाय रूट थर्टीन, हमने इसको कॉस ले लिया इसको साइन ले लिया, तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देखो टू बाय रूट थर्टीन है, टू बाय रूट थर्टीन को ले लो कॉस बी, माइनस साइन थीटा और थ्री बाय रूट थर्टीन को ले लो साइन बी। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन चुका है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहां पे, अब बचेगा थीटा प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट है, देखो बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस वन बाय रूट वन माइनस एक्स पर, बी कॉन्स्टेंट था तो जीरो होगी, ये लो ये भी कम, ठीक है। चलो जी ये करते हैं बाद में, पहले ये रुक जाओ सारे, ठीक है, ये कल कर, जो बचे हैं वो कल करवाएंगे, मेन करवाने के बाद। चलो एक ये वाला भी देख लो, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x प्लस वन अपॉन x माइनस वन, साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, इसके लिए क्या करो, देखो आप ना ऐसा कर सकते हो, सीकेंट इनवर्स वन बाय एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो,
मतलब अगर आप इस एंगल का उल्टा कर दो, अगर आप इस एंगल का उल्टा कर दो तो कॉस बन जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखो कॉस इनवर्स, इसके एंगल का उल्टा करो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, हमने एंगल को उल्टा कर दिया तो कॉस बन गया। अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम बन चुका है, तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पावर टू के बराबर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो यहां पे दोनों का एंगल सेम है तो आप इसको लिख दो पावर टू। अब इसको डिफरेंशिएट करो, पावर टू की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, लो जी चेक कर लो कॉन्स्टेंट है पावर टू, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। चलो जी बाकी कल करवाएंगे, ठीक है, इतने काफी हैं, बाकी तुम लोगों को होमवर्क दे देते हैं अभी इसमें से। अब देखो जो बचे हैं ये सारे हो गए, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हाँ ये तो सिंपल है, इसमें एक्स को क्या लेना है, ये होमवर्क करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, टैन लोगे कि कॉट लोगे, कॉट लेना दोनों डाल के देखो, टैन ले और कॉट दोनों डाल के देखो, कॉट लेना ठीक है, क्योंकि कॉट देखो कॉट लेने से फायदा क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक बन जाएगा और वन बाई कोसेक साइन होता है, अगर आप टैन लेते तो टैन लेने से सीकेंट बनता, कॉस बन जाता, ठीक है। ये देखो ये सेम क्वेश्चन वही जो अभी किया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पा बाई टू हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, ठीक है। अब एक बचा, ये नहीं करना ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है तुम्हारे सिलेबस में, ये छोड़ दो, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये भी नहीं करना तुम्हें, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये है तुम्हारे सिलेबस में, एक ये बचा कल करवाते हैं, दो तीन चार चार, ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में ना, ये है तुम्हारे सिलेबस में ना, ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है इसको भी छोड़ दो, तीन ये सेम हो गया, वही तीन तीन चार पाँच, ये सेम हो गया, छः सात आठ, नहीं ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सात ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये प्रॉपर्टीज है डिलीटेड है प्रॉपर्टीज, चलो ये वाला कर लेंगे, सात आठ नौ दस, दस क्वेश्चन बचे हैं, ये दस क्वेश्चन कल करवाते हैं, ठीक है, ये दस क्वेश्चन तुम्हें कल करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे पैटर्न की डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के, ठीक है। चलो जी बाय बाय, तुमको मिलते हैं कल। मम्मा इधर आना, मेरे को जल्दी से ना वो देना, दो पीस ले आओ जल्दी।